हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं दवाई के हेल्प से दीपक को भी चलाने वाली हूं और दिए में मैं विक्स लगा रही हूं, अब आप देख पा रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, आज मैं दवाई के हेल्प से आज मैं जोत जलाने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले मैंने विक्स ले लिया है। आप विक्स की जगह वैसलीन भी ले सकते हैं। तो मैंने चार दिया लिया हुआ है और चार दिया लिया हुआ है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो दिया है, मैं दिए में विक्स को ग्रीस कर दे रही हूँ चारों तरफ से। अब इससे क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई कोई मार्केट से दिया लाते ही उसको धोना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब दिए को जब धो देते हैं तो इसके अंदर पानी भी सोख कर लेता है दिया। कभी कभी ऐसा होता है कि टपकता भी है। तो दोस्तों, मैं इसमें विक्स क्यों लगा रही हूँ, अब इसका रिव्यू जानने के लिए मैं आपको भी बताऊंगी। आगे वीडियो में बने रहिएगा कि इसको मैं क्यों लगा रही हूँ। दोस्तों, इस चीज़ इस तरीके से मैंने इसको लगा के रख दिया है। अब आगे मैं बताती हूँ कि देखिए, रुई ले लिया है मैंने। रुई लेने के बाद मैं बताती हूँ कि इसको मुझे लंबी बाती मैंने पहले भी वीडियो में आप सभी को बताया हुआ है। बस इस तरीके से अपने हथेलियों पर रुई ले लेना है। अपने हथेलियों पर रुई रखने के बाद आपको बस इस तरीके से प्रेस कर देना है। आप देखेंगे जो लंबी वाली बाती रहती है, बहुत इजीली तरीके से ये बन जाता है। इसमें कोई मेहनत नहीं होता है, कोई इसमें डिस्टर्ब नहीं होना पड़ता है कि ये बाती कैसे बनेगी। अब देखिए, इस तरीके से मैं हथेलियों पे रखते हुए दो से तीन बाती बहुत इजीली तरीके से बना लेती हूँ। तो मुझे फ़िलहाल चार बाती चाहिए। अब देखिए, इस तरीके से मैं तीन से चार बाती बना लेती हूँ। और दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, मैंने बाती को बना लिया है। अब मैं आगे भी बताती हूँ कि मुझे क्या करना है। अब देखिए, अब इस तरीके से दोस्तों, ये बाती तो हमारी बन चुकी है। अब ये जो मैंने तेल लगाया हुआ है, इसमें विक्स लगाया हुआ है दिए में, किस लिए दोस्तों? विक्स लगाने से क्या होगा कि जब भी हम दिए में तेल डालेंगे तो आपने देखा होगा कि तेल हमारा बिल्कुल दिया सोख नहीं करता है, क्योंकि मैंने पहले से इसमें विक्स लगा दिया है। तो जितना इसको सोख करना है सोख लेगा, अब बिल्कुल ये इसके दिए के बाहर तेल नहीं आएगा। तो दोस्तों, अब जो बाती है, मैंने इसको कटिंग कर लिया है थोड़ा सा बराबर। अपने हथेलियों पर लेके मैं इसको थोड़ा सा एक बराबर थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ और भी इसका लुक बन जाएगा। अब चलिए, आगे मैं बताती हूँ कि ये जो मैंने दिए में विक्स को लगाया हुआ है, अब एक कटोरी में मैंने थोड़ा सा कपूर ले लिया है। कपूर को आप बारीक भी कर सकते हैं। और कपूर लेने के बाद मैं बताती हूँ कि मुझे इसको चम्मच के हेल्प से इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मैं इसको बारीक बारीक कर लेती हूँ। दोस्तों, ये जो कपूर की बाती होती है ना, बहुत ही हेल्पफुल जलता है और कहीं भी ये मतलब बाती ये रुकती नहीं है और बुझती नहीं है। अब देखिए, इस तरीके से चम्मच के हेल्प से ये जो कपूर की बात कपूर मैंने डाला हुआ है ना, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। कपूर जो मैंने डाला हुआ है बिल्कुल अच्छी तरीके से पाउडर बन चुका है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इस तरीके से मैंने इसमें थोड़ा सा मैंने विक्स भी डाल दिया है, जैसे कि मैंने इसमें कपूर डाला है और तेल डाला है और थोड़ा सा विक्स डाल के अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट कर दिया है। तो तीनों चीज़ से ये हमारा सॉल्यूशन बन के रेडी हो चुका है। अब दोस्तों, मुझे क्या करना है, अच्छी तरीके से मैंने इसको मिला दिया है। अब ये जो रुई बाती मैंने बनाया हुआ है, अब इसके अंदर मुझे रुई बाती को डाल देना है। रुई बाती को मुझे डाल देना है। अब आप देखेंगे तो बहुत इजी तरीके से ये जो रुई बाती है इसके अंदर सोख कर लेगा। जब आप रुई बाती जलाएंगे ना दोस्तों, आज मैं रुई बाती को पानी में जलाने वाली हूँ। जो रुई बाती आपका जलता नहीं है, पानी में नहीं जलता है। अब देखिए, ये जो दवाई का रेफर होता है, एक तो पन्नी वाला होता है, एक एल्युमिनियम वाला होता है। तो पन्नी वाला मुझे नहीं लेना है दवाई का रेफर, मुझे लेना है यही एल्युमिनियम वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये वाला लेना है। तो दवाई के रेफर में मैं जलाने वाली हूँ आज जोत को अपने। देखिए कि जो जोत आपका जलता नहीं है, बहुत ईजी तरीके से जलता है। अब मैं पानी में जलाने वाली हूँ। आप इसको बड़े दिए में, बड़े छोटे दिए में कैसे भी रखना चाहते हैं डेकोरेट के लिए, अब बहुत ईजी तरीके से ये दीपक जल जाता है। तो देखिए, जैसे कि मैंने चार दीपक रखा हुआ है, तो चार ही मुझे ये जो मेडिसिन का खाली पाउच है, मुझे चार ही चाहिए। तो इस तरीके से जो खाली खाली है, मैं इसको निकाल लेती हूँ। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे, इस तरीके से थोड़ा सा मैं इसको गोल शेप दे दे रही हूँ। और गोल शेप देने के बाद मैं बताऊँगी कि आगे मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो चलिए, गोल शेप दे दिया है। थोड़ा सा जो इसका ऊपर का रेफर है, इसको मुझे हटा लेना है। तो मैंने हटा लिया है। अब इसको, अब देखिए, गोल शेप दिया गया है। अब इसमें मुझे छोटा छोटा बारीक बारीक इसमें छेद कर लेना है। तो कोई भी सुआ ले लेना है, सुए के हेल्प से मुझे बस इसको बहुत इजीली तरीके से आराम से इसमें बस हल्का सा प्रेस लगाएंगे ना, तो आप देखेंगे कि बहुत इजी तरीके से इसमें ये होल हो जाता है।
तो दोस्तों होल ज़्यादा मोटा नहीं करना है, जैसे कि अब आप देख पा रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट है। इसी तरीके से मुझे चारों दवाई का ये जो रेफर है, रेफर में मुझे होल कर लेना है। तो दोस्तों देखिए बहुत इजीली तरीके से हो जाता है ये होल। तो इसी तरीके से मैं सारे रेफर जितना मैंने 3 से 4 रखा हुआ है सारे में ही होल कर लेती हूँ। चलिए मैंने कर लिया है होल, अब बाकी आगे की प्रोसेस बताती हूँ कि मुझे इसको क्या करना है। अब दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि 2 गिलास में मैंने कलर थोड़ा पानी बना लिया है, एक में ग्रीन बनाया है, एक में रेड बना लिया है। तो इस तरीके से आप जब लाइट कलर कटोरी में रखेंगे तो आप देखेंगे इसका जो लुक होता है ना काफ़ी अच्छा देखने में लगता है। चाहे तो इस तरीके से आप कोई भी बर्तन में आप रख सकते हैं। दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है पर बहुत ही काम का है, तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही यूजफुल ट्रिक है। अब जो ये बाती है ना, बाती को जो मैंने होल करा हुआ है इसके अंदर मैं डाल लेती हूँ। अब देखेंगे ना आप ना बहुत इजी तरीके से ये बाती जलती है हमारी। तो मैंने 3 से 4 बाती जो बनाया हुआ है इसके अंदर डाल देती हूँ। अब इसी के अंदर डालने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बाती है हमारा कपूर से, मतलब 3 इंच से ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट है। आप चाहे तो इसको गिलास में या कैसे भी रखना चाहे ना, तो बहुत इजीली तरीके से आप इसको रख के जला सकते हैं। अब देखिए अब इस तरीके से मैंने इसको रख ले लिया है, डाल दिया है, सारी जो बातियाँ थी मैंने डाल दिया है। अब इसको मैंने जो दिए में पानी डाला हुआ है, अब देखिए इस तरीके से मुझे इसको डाल देना है इसमें। तो ये मेरा दिया थोड़ा सा छोटा पड़ रहा है, आप चाहे तो बड़े दिए में भी इसको रख लेंगे, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम का ये जो दवाई का रेफर है ना ये बिल्कुल पानी में डूबने वाला नहीं है। तो मैं अंदर डालने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। तो दोस्तों आप इसको बड़े भी बर्तन में रख सकते हैं। इस तरीके से जब बड़े बर्तन में रखेंगे ना तो आप देखेंगे कि बिल्कुल भी ये बाती नहीं डूबने वाली है। अब मैंने इसको रख दिया है, अब चलिए मैं इसको जला के भी दिखाती हूँ कि कितना बढ़िया ये जलता भी है। और दोस्तों दीपावली के समय पे जब आप इस तरीके से अपने घर को सजाएंगे, अपने घर को जब डेकोरेट करेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। और दोस्तों मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिया रात भर जलेगा, लेकिन ये 3 से 4 घंटे आप इस दिए को बहुत इजीली तरीके से जला सकते हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। और 100 पीस के लिए आप इस दिए को जला के रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों पर बहुत ही काम का। आप देखिए मैं कितनी देर से दीपक को जला रखी हूँ लेकिन देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मुझे तो दोस्तों ये ट्रिप काफ़ी अच्छा लगा, दवाई के रेफर से ना मुझे कोई बोतल काटना पड़ा ना कोई चीज़ काटना पड़ा, अब बिल्कुल घर की चीज़ों से ये बन के रेडी हो गया है। तो है ना दोस्तों बहुत इजी और आसान तरीका है। तो दोस्तों दीपावली पे आप भी अपने घर को इसी तरीके से डेकोरेट कीजिएगा। तो अब मैं आगे भी बताती हूँ कि इस दिए से ही मैं दिया कैसे आगे जलाने वाली। सारा दिया मेरा बहुत इजीली तरीके से जल रहा है। अब देखिए वही दिया ले लिया है, मेरे दिए में तो पहले से ही विक्स लगा हुआ है। तो अब पहले मैंने पानी डाला था, मैं तेल डाल रही हूँ इसमें। अब तेल डालने के बाद 1 चम्मच तेल डाल देती हूँ। अब तेल डालने के बाद मैं बताऊँगी कि इसको मुझे कैसे रीयूज करना है। अब देखिए वही दिया ले लिया है मैंने। अब देखिए आगे भी मैं बताती हूँ कि वही दवाई का रेफर ले लिया है, वही दिया ले लिया, वही दवाई का रेफर जो मैंने होल करा हुआ था, बस मैंने बाती को अलग बना लिया है। अब बाती को अलग बना लिया है, अब आप देखेंगे कि बाती को जैसे कि मैंने पहले डाला था एक एक करके, इसी तरीके से बाती को इसके दवाई के अंदर इसको डाल लेना है। अब आप देखेंगे कि ये जो बाती है ना काफ़ी इजी तरीके से ये दवाई के रेफर में वर्क करता है या जलता भी है। ये जो दवाई का रेफर है जलने वाला नहीं है, पिघलने वाला भी नहीं है। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है दोस्तों पर बहुत ही काम का है। इस तरीके से जब आप अपने घर में जब जोत को बत्ती को जलाएंगे ना, अब देखेंगे जब डेकोरेट करेंगे ना अपने घर को, तो कोई यकीन नहीं करेगा कि हमने इस दीपक को कैसे जलाया है। अब देखिए जितने भी दीपक हैं बनाया हुआ है मैंने इसके अंदर डाल देती हूँ, और डालने के बाद मैं बताती हूँ कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना। अब चलिए मैं इसको जला के भी दिखा देती हूँ कि इसको किस तरीके से जलाया जाएगा। अब देखिए दोस्तों यकीन मानिए काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है, काफ़ी अच्छा जलता भी है। तो इस तरीके से मैंने इसको जला दिया है। अब आप देखिए इसका लुक, फाइनल लुक देखिए कितना बढ़िया इसका लुक आ रहा है। इस तरीके से ये दीपक हमारा जल चुका है। अब इसको आप छोटे कटोरी में रखिए या बड़े प्लेट में रखिए या छोटी प्लेट में रखिए। अब आप देखेंगे कि इस तरीके से जब आप जला के किसी बर्तन में जब डेकोरेट करके रखेंगे ना, तो आप यकीन मानिए कि इस तरीके का जो दीपक होता है ना देखने में तो काफ़ी सुंदर लगता है। इस तरीके से प्लेट में आप सजा के अपने ड्राइंग रूम में
बेडरूम में आप इस तरीके से जब रखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि काफ़ी अच्छा ये वर्क करता है और देखने में काफ़ी हेल्पफुल लगता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये जो फूल है मैंने अपने घर में पन्नी से बनाया हुआ है, तो इसी तरीके से आप भी अपने घर में दीपावली की तैयारी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आज का छोटा छोटा टिप और एंट्री भी इसमें कोई पसंद आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।